कोलारस में एबी रोड मानीपुरा पर आरके ट्रेंडिंग कंपनी के संचालक द्वारा ट्रैक्टर की एजेंसी लेकर ट्रैक्टर का विक्रय अनेक दिनों से किया जा रहा है। पहले जब इन पर सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी थी, अब दूसरे ट्रैक्टर की एजेंसी है। इसके द्वारा क्षेत्र के अनेक भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसा कर उनको धोखे में रखकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। किसानों के कागजात और चेक लेकर उनके नाम से ट्रैक्टर तक फाइनेंस कराए गए हैं, जिसमें मनीष पुत्र देवीलाल शर्मा निवासी रनौत ने एक पुराना मेसी ट्रैक्टर दिनांक 6 जून को राकेश शर्मा आरके ट्रेंडिंग कंपनी संचालक कोलारस को 3,25,000 रुपए में बेचा था। इसके बदले में एक सोनालिका ट्रैक्टर नया देने की बात की थी। तुम्हें 4,00,000 रुपए और देना पड़ेंगे। राकेश शर्मा द्वारा मनीष शर्मा से स्टेट बैंक ओरिएंटल बैंक में खाता खुलवाकर उसे 10 ब्लैंक चेक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं ओरिएंटल बैंक के 6 ब्लैंक चेक उसके हस्ताक्षर करा कर लिए गए थे और कहा था कि 8 दिन के अंदर मैं नया सोनालिका ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर का दे दूंगा। लेकिन राकेश शर्मा द्वारा ना तो नया ट्रैक्टर दिया गया ना ही पुराना। मेरे द्वारा लगातार 2013 से राकेश शर्मा ने अपना पुराना मेसी ट्रैक्टर व 16 ब्लैंक चेक मांग रहा हूं, जो उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। राकेश शर्मा ने कहा कि अगर तू ट्रैक्टर व चेक वापस मांगेगा तो तेरे चेक कोर्ट न्यायालय में लगाकर तेरी ज़मीन भी अपने नाम कर लूँगा। राकेश शर्मा द्वारा उन 16 चेक में से एक चेक 2,00,000 रुपये स्वयं भरकर उसने न्यायालय में लगा दिया, जिसमें मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैं 2 माह तक जेल में बंद रहा। ऐसे भोले भाले किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पीड़ित के सभी वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर शासन प्रशासन मौन क्यों है? कुशल चंद जैन पुत्र अशोक कुमार जैन निवासी कोलारस से राकेश शर्मा ने ट्रैक्टर एजेंसी चलाने बाबत दुकान मकान एवं खुली भूमि को 16,000 रुपये महीने के हिसाब से ली थी, जिसका किराया 2 वर्ष से आज तक नहीं दिया गया। जिसके किराए के 2,24,000 रुपये व राकेश शर्मा के एक अन्य दुकान एवी रोड मानपुरा में 4,500 रुपये किराए में ली थी, जिसका 1,00,000 रुपये बकाया है। कुशल चंद जैन जब माह फरवरी में उससे किराया मांगने गया तो भद्दी भद्दी गालियां देकर भगा दिया गया। ये कोलारस मानीपुरा में है, ये मानीपुरा की जमीन साहब हमारी है, मेरी और मेरे बड़े भाई के नाम से। इनके दोनों के एग्रीमेंट है मेरे पास, इन्होंने हमसे किराए से ली, लेकिन ना तो 2 साल से किराया दे रहा ना खाली कर रहा, और उल्टी दादागर्दी और करता है, नेतागिरी से फ़ोन और करवाता है। एग्रीमेंट कब हुआ था? एग्रीमेंट सन 17 में कराया था, 18 तक का था, उसके बाद एग्रीमेंट भी नहीं करा रहा। बिल्डिंग खाली कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ? ना बिल्डिंग खाली कर रहा ना किराया दे रहा, और उल्टी दादागर्दी और करता है, मेरी मारपीट की शिकायत कर दी, उल्टा मेरे से मारपीट करता है। तुमने शिकायत की इसकी कहीं? मैंने इसकी कोर्ट में लगाई है सर। थाने ने की शिकायत आपने? थाने शिकायत की सर, कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने इसकी प्राइवेट इसका कोर्ट में दायर कर दी। मैं दूसरा ले रहा हूँ। महिंदा कहाँ लिया था आपने? शिवपुरी से। फिर राकेश शर्मा जी से कब विवाद है आपको? विवाद ये है कि मैं दूसरा ट्रैक्टर से बदल रहा हूँ तो रुपये कहते 2,40,000 में काटा था। कब की बात है? जी हो गई 4 साल है महाराज। 4 साल? आपने शिकायत नहीं की कहीं? अरे खूब डट के करके बेरान हुआ, उसकी औरत से नगार देने लगी एक दिन, तो मैंने उससे यहाँ घर पर जाके झगड़ा भी कर दिया, तो कोई सुनाई नहीं दी। पुलिस ने कोई एफ आई आर वगैरह की? पुलिस ने एफ आई आर की नहीं की आपकी? करी थी। फिर भाई कोई सुनाई नहीं दी। मैंने सोनाल का ट्रैक्टर के यहाँ ट्रैक्टर कटवाया था पुराना 4,00,000 में, और 60 हॉर्स पावर लेना था, तो पूरे कागज ले लिए मेरे, पूरा ट्रैक्टर भी बेच दिया उसने। कागज में आपसे क्या क्या लिया था? सब पूरे चेक से लेकर पूरा कंप्लीट पूरी फाइल साइन करवा ली नए ट्रैक्टर की, और जमीन की वाली किताब मिताब सब कंप्लीट ले लिया उसने। तो फिर आपको नया ट्रैक्टर दिया होगा? नहीं 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 दिया, नया ट्रैक्टर भी नहीं दिया। फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस किए होंगे? नहीं किए बिल्कुल, कोई डॉक्यूमेंट्स वापस। आपको डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं किए, ट्रैक्टर भी नहीं दिया, और फिर क्या हुआ इसके बाद में? फिर मैं थाने गया, तो मैं रिपोर्ट डाली, एसपी साहब का भी गया, टीआई साहब का। नहीं तो आपको उसने डॉक्यूमेंट्स वापस क्यों नहीं किए? कहीं यूज तो नहीं कर ली उसने उसको? कर ली हो, करे भी हैं कहीं, महेंद्रा फाइनेंस पर करवाया, मेरी फर्जी है उसी लिए आया मैं वहाँ से। अच्छा अच्छा जी, राकेश शर्मा कोलारस से।
तो मैंने कटा लिया था वो पहले का, दोबारा रिफाइनेंस करवाया था, तो इसके पैसे निकाल के खुद ही ने रख लिए। आपको नहीं दिए पैसे? मेरे को नहीं दिए। फिर आपने, आपको कैसे पता चला रिफाइनेंस हुआ ट्रैक्टर? मेरे पास कंपनी वाले आए, उन्होंने मेरे से जोर जबरदस्ती की, आपने किस्त नहीं पहुँचाई। राकेश जी के पास आया, मैंने कहा राकेश जी आप बता रहे थे कि फाइनेंस नहीं हुआ, और ये फाइनेंस वाले मेरे घर पहुँच रहे थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फाइनेंस वालों को भगा दिया वहाँ से। कितने पैसों भिवा दिए आपको? 1,80,000 रुपये लिए थे। ज़्यादा तो अपने ट्रैक्टर फाना बनने करवा कर बोला, और बनने कह रही तो कर्जा पा नहीं रहा, कर्जा पा नहीं। ट्रैक्टर कौन सा है? सोनाली का। सोनाली का है? पुराना लिया था? नहीं नवा का, नया लिया था। हाँ एक साल में था उन्होंने। राकेश सोनाली एजेंसी है सोनाली का की? आप तो नहीं, पहले लिया हुआ। कब की बात है? 4 साल हो गए। 4 पानी बात है? हाँ 5 ही लाख का। अच्छा, ट्रैक्टर दे दिया आपको? ट्रैक्टर कहाँ दे दिया, दे दिया, ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया। वापस ले लिया? पैसे वापस नहीं किया आपने? खर्चुए नहीं करो ना। कितने पैसे जमा थे? और बंद किया। कितने पैसे जमा थे आपके? ये 2.5 लाख में ट्रैक्टर काटो तो 1,60,000 में या 2,60,000 में ट्रैक्टर बीस हजार में वापस ले लो, और उल्टा दबाव डालो, झूठ में किस लगा दो, और मतलब परेशान करा हर तरह से। कब लिया था आपने ट्रैक्टर? 4 साल हुए, 1 साल रहा था घर पे, 3 साल तो इसके पास हो ट्रैक्टर लिए। अब क्या आरोप लगा रहा है वो आप पर? कोर्ट में चेक लगा, पॉलिसी के पास रखी, और मतलब कोर्ट में केस लगा दिया उसने। ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत किसान पीड़ित हैं। लगभग आइडिया हुआ 5, 10, 15, 20 कितने होंगे? अब माने तो 50 को उठाया है, लेकिन मेरे उन्होंने 10-12 आदमी ने कंप्लेंट। कितने लोगों ने की है पुलिस में? शायद 5 से 7 लोगों ने की। इनपुट हेड संजय चिराड़ की रिपोर्ट।